हेलो दोस्तों, आपको अगर इनकम टैक्स के रिफंड का स्टेटस पता करना है, 2023-24 में आपने जो फाइलिंग किया है उसके स्टेटस के बारे में पता करना है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो आज का वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे कि आप अपना इनकम टैक्स के रिफंड को किस पोर्टल पे जाकर कैसे पता कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। आप अगर मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि इस वीडियो से किसी का हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा पोर्टल पे जाना है। ये देखिए, मैंने इनकम टैक्स का पोर्टल पहले से खोल कर रखा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है इनकम टैक्स का पोर्टल और यहां पर देखिए क्विक लिंक दिया हुआ है। तो आपको इस क्विक लिंक पे देखना है। क्विक लिंक में आपको स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में आ जाना है। यहाँ पर देखिए नो योर रिफंड स्टेटस यहाँ पर बता रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बता रहा है पैन ऑब्लिक टैन, आपको अपना पैन कार्ड या फिर टैन कार्ड जो भी है आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ से असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर हमने अभी फाइल किया है इसलिए 2023-24 होगा, जो कि हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है 22-23 का। उसके बाद हमें यहाँ से मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए एक नोट बताया है। नोट में क्या बताया है, अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड बिफोर 31 मार्च 2023 का है तो आपको NSDL का साइट में जाना है। तो चलिए NSDL का साइट में जाकर आपको हम दिखा देते हैं कि आप NSDL का साइट से कैसे इनकम टैक्स का स्टेटस को पता करेंगे। ये देखिए, मैंने NSDL का साइट ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ हूँ यहाँ पर। ये है NSDL का साइट, यहाँ में देखिए रिफंड ट्रैकिंग बता रहा है। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहला अपना पैन कार्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, कौन सा असेसमेंट ईयर का है। मान लीजिए आप पुराना कोई अलग चेक करना चाहते हैं तो आप पुराना भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद प्रोसीड में क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर पहले एक चेक कर लेते हैं इसका रिफंड आया कि नहीं है। प्रोसीड में क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए बता रहा है पैन कार्ड नंबर आ गया है। असेसमेंट ईयर यहाँ पर बता रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या बता रहा था कि 31 मार्च से पहले अगर आपने फाइलिंग किया है उसी का स्टेटस यहाँ पर बताएगा। तो मैंने ये जो फाइलिंग का मैं स्टेटस अभी देख रहा था इनकम टैक्स का रिफंड का, ये एक्चुअली मैंने जुलाई में किया है, जुलाई 2023 को किया है, तो इसका डाटा यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसका डाटा को हम देखने के लिए कहाँ पर हम जाएंगे, इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ पर इसका स्टेटस हम चेक करेंगे। तो इसको और एक हम क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ से। अगर हम इसका प्रीवियस ईयर का चेक करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर का सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से कैप्चा कोड, फिर यहां से हम प्रोसीड कर देंगे। अब देखिए यहां पर बता रहा है ये पैन कार्ड आ गया है, असेसमेंट ईयर आ गया है, उसके बाद डायरेक्ट क्रेडिट हुआ है, रेफरेंस नंबर बताया है, उसके बाद रिफंड ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, उसके बाद यहां पर अकाउंट नंबर का डिटेल और आपका बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट हुआ है ये भी बता रहा है। यहां पर एक बगल पर देखिए एक नोट भी दिया है कि कब आपका करस्पोंडेंस हुआ था। आपके अगर कोई डाउट है तो आप इस एड्रेस पे करस्पोंडिंग कर सकता है। ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। इस साइड में आपको जो कि NSDL का साइड है, यहाँ पर आपको 31 मार्च 2023 से पहले जो भी फाइलिंग हुआ है उसका रिफंड का स्टेटस दिखाएगा। आपने अभी फिलहाल जो इस साल में जो भी इनकम टैक्स का रिफंड के लिए फाइल किया है उसका स्टेटस को चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स का पोर्टल पे जाना है। तो हम यहाँ पर एक इनकम टैक्स का पोर्टल में भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या स्टेटस बता रहा है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स का पोर्टल आ गया है, तो हम यहाँ से फिल कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल के। उसके बाद असेसमेंट ईयर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे 2023-24। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर डालेंगे जिसपे OTP आएगा, तो यहाँ से हम फिल कर लेते हैं पहले। तो उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर एक OTP आएगा, हम यहाँ से OTP डालना है। उसके बाद यहां से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे,
यहां पर देखिए ज्यादा डिटेल्स बताया नहीं है, पैन कार्ड नंबर दिया हुआ है, उसके बाद असेसमेंट ईयर, उसके बाद यहां पर बता रहा है सेंड टू रिफंड बैंक बैंकर, इट मींस आपका जो भी रिफंड बना था आपका बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया है। तो इसको हम लोग क्रॉस चेक कहां से कर सकते हैं, हम बैंक में जाकर देख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर इंटरनेट बैंकिंग है या फिर यूपीआई है या फिर आपका योनो वगैरह है तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। आपका जो भी बैंक है जिसमें आपका रिफंड क्लेम आया है आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो हम अपने योनो ऐप्स में जाकर देख लेते हैं कि हमारा रिफंड आया कि नहीं है। अब देख सकते हैं ये मेरा योनो ऐप्स है, यहाँ पर मैंने 8 तारीख को ही ये रिसीव किया है, 8 अगस्त 2023 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स रिफंड है, मेरे पैन कार्ड नंबर दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट भी दिया हुआ है। तो मैंने इसे फाइल किया था आपका एंड ऑफ द जुलाई में ही, और ये 8 तारीख के अंदर मेरा रिफंड प्रोसेस हो चुका था और मेरे अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया है। हार्डली आई थिंक ये 20 और 25 डेज के अंदर ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि आप अपना इनकम टैक्स का रिफंड किस पोर्टल पे जाकर पता करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे है तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। अगर आपको इनकम टैक्स के रिफंड के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि आप कैसे इसे पता करेंगे, इसका क्या क्या प्रोसेस होता है, तो मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप उसे मेरे फिनोटेक बरुण जी चैनल में जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।